हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं अमित मदान, द मार्केटिंग एंड प्रमोशनल मीडिया प्रोफेशनल, आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ अमृतसर फाउंडर्स के माध्यम से। और इस सब के लिए मैं अमृतसर फाउंडर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है आउटडोर मीडियम और आउटडोर एडवर्टीजमेंट फॉर योर बिजनेस, हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर योर बिजनेस। इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज आउटडोर एडवर्टीजमेंट। आउटडोर एडवर्टीजमेंट इज व्हाट इज बीइंग डिस्प्लेड आउटडोर्स। ऐसी एडवर्टीजमेंट, ऐसी पब्लिसिटी या प्रमोशन जो आपके डोर से बाहर हो रही है, इसको OOH भी बोलते हैं, आउट ऑफ होम मीडियम भी बोलते हैं, जो कि आपके घर से बाहर दिखता है। आप मार्केट जाते हो, आप काम पे जाते हो, तो रास्ते में जो मीडियम आपको एडवर्टीजमेंट या पब्लिसिटी के लिए दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड आउटडोर मीडियम। और उस पब्लिसिटी को बोलेंगे आउटडोर पब्लिसिटी या एडवर्टीजमेंट। इसकी काफी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यूनिपोल्स, होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, गैंट्रीज, स्टैंडेज, साइन बोर्ड्स, फुट ओवर ब्रिज पैनल्स, फ्लैग पोल्स, पोल कियोस्क, आउटडोर LED स्क्रीन्स एक्सेट्रा। काफी और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जो भी आपको मीडियम दिखे आउटडोर एडवर्टीजमेंट के लिए, दैट इज आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया। व्हाई इज आउटडोर एडवर्टीजमेंट सो पॉपुलर, इतनी फेमस क्यों है आउटडोर एडवर्टीजमेंट? सदियों से चली आ रही है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स इयर्स अगो आउटडोर स्टार्ट हुआ था और आज तक ये कायम है परंपरा। इसीलिए इसको एक पारंपरिक मीडियम भी बोला जाता है, अ कन्वेंशनल मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, दैट इज ऑल अबाउट आउटडोर एडवर्टीजमेंट, इट इज सेड। अब बात करते हैं कि क्यों है ये इतना पॉपुलर। क्योंकि इसका ब्रांड को रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन रिजल्ट क्यों अच्छा मिलता है, आइए ये जानते हैं। इसके लिए मैं इसको बोलता हूं, इट इज अ कंपाउंडिंग वैल्यू एडिटिव मीडिया। आउटडोर मीडिया adds a compounding value to your brand. Compounding value to your brand. Compounding value क्या है? जो लोग financials में ज़्यादा deal करते हैं, उनको इसकी compounding की value पता होगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसकी value नहीं पता होती। Compounding. Compounding क्या होता है? एक example के साथ बताता हूँ, फिर आपको relatively connect करना easy हो जाएगा outdoor media के साथ। तो मैं आपको दो option अगर दूँ, पहली option कि मैं आपको 5 करोड़ रुपया कैश दूं, और दूसरी ऑप्शन रखूं कि भाई 5 करोड़ कैश नहीं, 1 रुपया लीजिए डेली मेरे से लीजिए, और डेली इसकी वैल्यू को कंपाउंडिंग करते रहिए, डबल ऑफ द वैल्यू। कंपाउंडिंग क्या होएगी? अगर मैंने डबल बोल दिया तो वो रोज के रोज डबल होता जाएगा, जो वैल्यू ऐड होती जाएगी उसको डबल करते जाइए। कि आज 1 रुपये की वैल्यू 1 रुपया है, कल उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, परसों 4 हो जाएगी, उसके एक दिन बाद 8 हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी दिन ब दिन वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यू विल बी सरप्राइज टू हेयर दैट 15वें दिन इसकी वैल्यू हार्डली कोई 60,000 से 65,000 के आसपास पहुंचेगी। 27वें दिन 1 रुपये की वैल्यू 13 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी, 13 करोड़। मैंने आपको 5 करोड़ बोला था, ये 13 करोड़ पहुंच जाएगा। और 1 महीने का टाइम दिया था, 1 महीने तक बढ़ता जाएगा, 31वें दिन इसकी वैल्यू 200 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आउटडोर एडवर्टीजमेंट एड्स अ कंपाउंडिंग वैल्यू टू योर बिजनेस और ब्रांड। कि आज आपने आउटडोर अगर लगाया तो आपको लगेगा यार कुछ नहीं, इससे तो कुछ मिला ही नहीं, मेरे को फायदा ही नहीं हो रहा। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 15वें दिन आपको लगेगा थोड़ा बहुत तो हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू चलाते रहोगे आउटडोर्स को, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपको लगेगा ये क्या हुआ, वाकई में ये सॉन्ग ऐसे ही है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कैसे इसकी वैल्यू कंपाउंडिंग की तरह बढ़ती गई मेरी ब्रांड वैल्यू। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा हर बंदा आपके ब्रांड के साथ वाकिफ होगा। सो दिस इज व्हाई आउटडोर एडवर्टीजमेंट इज सो पॉपुलर। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ आउटडोर एडवर्टीजमेंट। क्या बेनिफिट्स हैं?
सबसे पहला तो आपको बता दिया मैंने, कंपाउंडिंग वैल्यू ऐड हो रही है. देन इज ब्रांड हैमरिंग. हैमरिंग बार बार हथौड़ा बज रहा है दिमाग में कस्टमर के, जो आपका क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर बनने जा रहा है, उसको एक बार आपका ब्रांड दिखेगा वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा. दूसरी बार सोचेगा पता नहीं क्यों बार बार दिख रहा है, तीसरी बार फिर थोड़ा और सोचेगा, चार पांच बार जब आपका ब्रांड देख लेगा और ऊपर से जहाँ पे आपका ब्रांड अवेलेबल है, जिस शॉप पे अवेलेबल है, जिस स्टोर पे अवेलेबल है, वो स्टोर कीपर भी अगर बोल देगा कि सर आई वुड लाइक टू रिकमेंड दिस ब्रांड ओवर योर ब्रांड जो आप डिसाइड करके आए थे, तो डेफिनेटली आपकी कस्टमर एक्विजिशन भी साथ में अचीव हो जाएगी. कस्टमर की डिसीजन मेकिंग प्रॉम्प्ट हो गई उससे, आपने आउटडोर लगा रखा था इसलिए. देन इज ब्रांड स्टेटस. स्टेटस आपका ब्रांड का बढ़ जाता है अगर आप आउटडोर भी साथ में एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो. देन इज हाउ टू चूज राइट एडवर्टीजमेंट और राइट आउटडोर मीडिया फॉर योर बिजनेस और ब्रांड. किस तरह से राइट आउटडोर मीडियम को आपने चूज करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट सेगमेंट क्या है, आपका टारगेट क्लाइंट कहाँ पे घूम रहा है ज़्यादा. ऑब्वियसली आउटडोर है तो आउटडोर, किस आउटडोर लोकेशन पे आपका क्लाइंट ज़्यादा घूम रहा है या ज़्यादा रह रहा है वहाँ पे, तो उन लोकेशंस को टारगेट कीजिए. अपने टारगेट क्लाइंट को ध्यान में रखते हुए उन्हीं लोकेशंस पे आउटडोर मीडियम चूज कीजिए. देन इज साइज ऑफ योर आउटडोर मीडिया. बहुत बड़ी बात है ये, आपका आउटडोर मीडियम का साइज जितना बड़ा होगा उतनी आपकी ब्रांड विजिबिलिटी प्रॉम्प्ट रहेगी, ज़्यादा रहेगी, जल्दी रहेगी और अच्छे वैसे प्रोमिनेंटली दिखेगा आपका ब्रांड. देन इज द विजिबिलिटी ऑफ योर ब्रांड. जहाँ पे आप आउटडोर मीडियम चूज कर रहे हैं उस मीडियम की विजिबिलिटी देखिए, क्या वो विजिबिलिटी पैरेलल टू रोड है, ये ट्रैफिक जा रहा है और ये आपका आउटडोर लगा हुआ है ऐसे करके, तो इस तरह वाले ट्रैफिक को इधर मूव करके देखना पड़ेगा क्रॉस. ऐसा मीडियम नहीं चूज करना आपने. कोशिश कीजिए आपका मीडियम परपेंडिकुलर टू द रोड हो, परपेंडिकुलर टू द ट्रैफिक हो. ट्रैफिक आ रहा है ऑटोमेटिकली उसको सामने से बाय डिफॉल्ट दिख रहा हो आपका आउटडोर मीडिया, ऐसा मीडियम चूज कीजिए. फिर आपका अगर मीडियम परपेंडिकुलर भी है लेकिन उसकी विजिबिलिटी ऊपर है, अपवर्ड है, तो नहीं, इस तरह से लोग नहीं देखेंगे उसको, आई लेवल विजिबिलिटी नहीं आएगी. एक तो परपेंडिकुलर टू रोड, दूसरा आई लेवल विजिबिलिटी. आई लेवल विजिबिलिटी के लिए आपका बिल्कुल आई लेवल पे होना चाहिए, कस्टमर की आई के बिल्कुल सीधा दिखना चाहिए सामने. हाँ, अगर आपका मीडियम बहुत ज़्यादा बड़ा है, ओवरसाइज है, थोड़ा बहुत कंप्रो कर सकते हो ऊपर नीचे का ताकि वो दूर से भी नज़र आ जाएगा अगर प्राइम लोकेशन है और बड़ा मीडियम है तो. लेकिन अगर मीडियम छोटा है और परपेंडिकुलर टू रोड साथ में है तो आई लेवल विजिबिलिटी ही चूज कीजिए. डोंट चूज क्लटर्ड मीडिया लोकेशंस. क्लटर, जहाँ पे एडवर्टीजमेंट का, पब्लिसिटी का क्लटर हो रखा है पहले से. क्या होता है कई बार मार्केट में आप देखते हो एक लोकेशन बहुत हैपनिंग रहती है, बड़ी फेमस लोकेशन रहती है, तो वहाँ पे भीड़ चाल स्टार्ट हो जाती है. एक ने आउटडोर लगाया, दूसरे ने, तीसरे ने, एक ही लोकेशन पे 20-20 साइट्स इकट्ठी लगी रहती हैं, तो भीड़ चाल में हर बंदा वहाँ पे आउटडोर लगा देता है और विजिबिलिटी किसी की भी अच्छी नहीं रहती. ठीक है, क्लटर में आप जा सकते हैं अगर बहुत अच्छी लोकेशन है. उसके लिए एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा, एक नया टॉपिक है वो भी, कि आपको अपने मीडियम के एस्थेटिक्स, आपको अपने क्रिएटिव की लुक्स, आपको अपनी क्रिएटिविटी में ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे कि आपका मीडियम बिल्कुल हटके दिखे, फिजिकली भी और क्रिएटिव वाइज भी. तो ये कुछ और इसमें चीज़ें जुड़ जाएंगी, कुछ और फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे जो मैं अगर अभी आपको बताना शुरू कर दूं तो ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो दैट कैन बी डिस्क्राइब इन अ न्यू वीडियो ऑल्सो. सो क्लटर लोकेशन अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए कि क्लटर में ना जाए आपका मीडिया. देन लोकेशन वर्सेस टाइम. आप कई बार लोकेशन चूज कर लेते हैं, सिंपली देखते हैं कि किसी कंपटीटर ने लगाया तो चलो मैं भी लगा लेता हूँ, चाहे एक ही होर्डिंग क्यों ना लगा ले. एक लोकेशन या एक आउटडोर मीडियम का लगाना गलत होगा मेरी नज़र में. क्यों? क्योंकि वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा, तो मैं उसको बिल्कुल क्रॉस करूंगा. जीरो रिजल्ट, मेयरली वेस्टेज ऑफ योर मनी, कभी ना लगाइए ऐसी लोकेशन. अगर आपने आउटडोर मीडिया की ऑप्शन चूज कर ली है तो कोशिश कीजिए मल्टीपल लोकेशन हो. अगर आपका क्लाइंट कोई टारगेट एरिया में है
और उस एरिया में भी आपको लगता है कि एक ही लोकेशन लगानी है, मेरी नजर में उस एरिया में दो या तीन ऑप्शन चूज कर लीजिए, ज्यादा इफेक्ट देगी, आपका आउटडोर अच्छे वे से उभर के सामने आएगा, हैमरिंग साथ में रहेगी, एक ही लोकेशन पे बार बार क्लाइंट देखेगा, अगर चीज लगी हुई है डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगी क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए। अब बात करते हैं कि सपोज आपने सोचा कि मैंने एक ही मीडियम 3 महीने के लिए यूज करना, लेट्स से आपने किसी लोकेशन पे आउटडोर लगाने का सोचा, आपने सोचा कि मैंने 5 लोकेशन चूज करी, 5 लोकेशंस को मैं 3 महीने के लिए लगातार आउटडोर में लगाए रखूंगा, ज्यादा असर करेगा, डेफिनेटली करेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा असर करेगा अगर आप 5 लोकेशंस की बजाय 3 महीने लगाने की बजाय 15 लोकेशन 1 महीने के लिए चूज कर लेते हो, सेम बजट में आ जाएंगी, हो सकता है थोड़ा और रेट्स कम हो जाए क्योंकि 1 महीने में लगने हैं, इकट्ठे लगने हैं, लेकिन और भी अच्छा करना हो तो उन्हीं लोकेशन को और उसका टाइमिंग या ड्यूरेशन कम कर दीजिए, 10 दिन के लिए लगा लीजिए, लेकिन 15 की बजाय हो सकता है आपकी 30 लोकेशंस लग जाए 10 दिन के लिए, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा उस चीज़ का, हैमरिंग भी रहेगी और डिसीजन मेकिंग भी ईजी रहेगी और ब्रांड वैल्यू इंक्रीमेंटल नहीं जाएगी, मल्टीप्लायर चली जाएगी। देन इज be precise while choosing the location also and finalizing the creative also. आपका जो ब्रांड का क्रिएटिव, जो आउटडोर एडवर्टीजमेंट में आप क्रिएटिव यूज करने वाले हो या डिजाइन यूज करने वाले हो अपना प्रेजेंटेशन का, वो डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रहिए। और हाँ, जो मैसेज आपने कस्टमर को देना है अपने, दैट मैसेज शुड नॉट एक्सीड 7 वर्ड्स। 7 वर्ड्स के अंदर अंदर अगर आप क्लाइंट को या कस्टमर को कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो तो कीजिए, इससे ज़्यादा करोगे तो इतना टाइम नहीं मिलेगा आपके कस्टमर को पढ़ने के लिए आपके आउटडोर को। तो आउटडोर के साथ साथ एक बढ़िया अल्टरनेट मीडिया ऑप्शन साथ में ज़रूर चूज़ कीजिए, मैं ये कहूँगा, जो आपकी एडवर्टीजमेंट भी करती रहे साथ में, ब्रांडिंग। आउटडोर मीडियम इज़ वेरी गुड फॉर ब्रांडिंग, बट अगर मैं एडवर्टीजमेंट की बात करूँ कि आप डिटेल में कुछ डिस्क्रिप्शंस देना चाहते हो तो डोंट गो फॉर आउटडोर। आउटडोर इज अ मीडियम फॉर ब्रांड हैमरिंग। एडवर्टाइजिंग नाम जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट अगर आप 7 वर्ड्स के अंदर अंदर कर सकते हो तो गुड है, लेकिन इससे थोड़ा बहुत कंप्रो कर लोगे तो ओके, लेकिन ज्यादा नहीं कि आप बोलो पूरा ऐसे लिख दिया और ऐसे को पढ़ने के लिए कोई आपकी होर्डिंग के पास रुकेगा और गाड़ी खड़ी करके देखेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके साथ एक ऑल्टरनेट मीडिया ऑप्शन लाइक प्रिंट मीडिया या ऑनलाइन या ऐसी कुछ ऑप्शन जरूर चूज कीजिए जिसको बंदा आराम से बैठ के पढ़ सकता हो या देख सकता हो। देन इज अगर आपका बजट कम है या नहीं है बिल्कुल, तो आउटडोर लगाते वक्त बार्टर ऑप्शन में चले जाइए किसी मीडिया ऑनर के साथ। हम भी मीडिया ऑनर्स हैं जैसे, तो हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो बार्टर कर लेते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च है सर, हम आपको सेम वैल्यू के प्रोडक्ट्स देंगे, आप हमारी एडवर्टीजमेंट कर दीजिए, उसमें छोटी सी ट्रांजेक्शन फी जरूर लगती है, लेकिन वो एक बेस्ट ऑप्शन गिनी जाती है कि आपका मार्केट में प्रोडक्ट फ्लोट भी कर गया जल्दी से जल्दी और आपका पैसा भी वर्चुअली नहीं लगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ आउटडोर मीडिया। देन इज आउटडोर वर्सेस ऑनलाइन और सोशल मीडिया। आजकल लोग बोलते हैं कि सोशल इतना सस्ता है, ऑनलाइन इतना सस्ता है, तो आउटडोर की जरूरत नहीं। नहीं, आउटडोर एक बहुत ही अहम मीडिया है आपकी कस्टमर एक्विजिशन के लिए। आपका कस्टमर ने जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो आउटडोर से बढ़िया नहीं हो सकती कहीं और। तो बेटर है मार्केट में एक कस्टमर, आपका कस्टमर नॉर्मली 70% टाइम स्पेंड करता है मार्केट में। और दूसरी बात, कस्टमर एक्विजिशन में जो रोल आउटडोर मीडिया प्ले कर सकता है वो ऑनलाइन नहीं कर सकता, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। ज़्यादा इफेक्ट जो आउटडोर का आने वाला है ना कि ऑनलाइन का। ऑनलाइन 20% जरूर रखिए, लेकिन 80% जो आपका डिसीजन मेकिंग है वो आउटडोर से ही होने वाली है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके बिजनेस के लिए आउटडोर मीडियम या आउटडोर एडवर्टीजमेंट कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। और इसके साथ ही मैं एक बार फिर से अमृतसर फाउंडर्स का और आप सबका धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन।